तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टॉप यार पे, जहां हम हमेशा आपके लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हर एक छोटे से बड़े खबर लेकर आते रहते हैं। गाइज, आज हम बात करेंगे भोजपुरी के स्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी के तीन नई बड़ी फिल्मों के बारे में, जो कि इस साल 2021 में बॉक्स ऑफिस पर करेगी राज। यहाँ इन तीनों फिल्मों के बारे में बताएंगे, विशेष जानकारी देंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। और जो भी भाई लोग अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबाकर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है प्रदीप पांडे चिंटू जी के हर खबर सबसे पहले। चलिए हम बात करते हैं प्रदीप पांडे चिंटू जी की पहली फिल्म के बारे में। पहली फिल्म के नाम है पिया मिलन चौराहा। पिया मिलन चौराहा जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जो कि अभी तक आप इस फिल्म के ट्रेलर को नहीं देखे हैं, तो एक बार जरूर जाके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इस फिल्म का ट्रेलर बनाया गया है। पिया मिलन चौराहा इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों एक ही हैं, जिनका नाम है लालजी यादव जी। और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नज़र आ रहे हैं मनीषा यादव और प्रदीप पांडे चिंटू जी। और इस फिल्म के अन्य कलाकारों के बारे में बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं, जो कि फिल्म है पिया मिलन चौराहा। अब बात करते हैं अगले फिल्म के बारे में। अगले फिल्म का नाम है प्रेम गीत 2। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में बात करें तो दोनों एक ही हैं, जिनका नाम है सोनू खत्रे जी। और इस फिल्म के स्टारकास्ट में नज़र आ रहे हैं प्रदीप पांडे चिंटू जी और शिल्पा पोखरेल जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिल्पा पोखरेल जो एक नेपाली एक्ट्रेस है, जो कि बहुत ही सुंदर है, इनकी जो भी फिल्म आती है प्रदीप पांडे चिंटू के साथ बवाल ही मचा देती है। और इस फिल्म के अगर शूटिंग के बारे में बात करें तो इस फिल्म का शूटिंग उत्तर प्रदेश और प्लस नेपाल में किया गया है। और इस फिल्म के गाने का भी जो शूटिंग किया गया है वो नेपाल में ही किया गया है, जो कि आप लोग अभी तक नेपाल के अच्छे अच्छे लोकेशन को नहीं देखे तो इस फिल्म के माध्यम से ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का नाम है माई बाबूजी की आशीर्वाद। माई बाबूजी की आशीर्वाद यह फिल्म प्रदीप पांडे चिंटू जी की एक बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, जो कि आप सभी भोजपुरिया दर्शकों को यह फिल्म सिनेमाघरों में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस फिल्म के अगर ट्रेलर के बारे में बात करें, इस फिल्म का ट्रेलर हालांकि तो रिलीज कर दिया गया है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप सभी इस फिल्म के ट्रेलर को देखे और बहुत सारे सपोर्ट भी किए और काफ़ी ज़्यादा व्यू भी गेन कर लिया। और इस फिल्म के अगर स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू जी और काजल यादव संचिता बनर्जी जी। और इस फिल्म के अगर अन्य कलाकारों के बारे में बात करें तो अवधेश मिश्रा जैसे कई बड़े कलाकार इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में बात करें तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं प्रदीप सिंह, प्रतीक सिंह। और इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रतिक लफिक शेख जी। हाँ, तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप सभी को बता देना चाहता हूँ ये तीनों फिल्मों के बारे में विशेष जानकारी जो कि आई है। और ये तीनों फिल्म 2021 में बॉक्स ऑफिस पर करेगी राज। सबसे फिल्म की पहले बात करते हैं पिया मिलन चौराहा। पिया मिलन चौराहा इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में बता दें, इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 15 अगस्त। जी हाँ, 15 अगस्त को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, यह मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है। जी हाँ, 15 अगस्त को इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रेम गीत 2। प्रेम गीत 2 इस फिल्म का भी ट्रेलर आ गया है, हालांकि इस फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले आ गया था, लेकिन अभी तक इस फिल्म के गाने के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन इस फिल्म को जो अब रिलीज जो किया जाएगा सिनेमाघरों में, यह रिलीज किया जाएगा 2021 के अंत तक। जी हाँ, 2021 के अंत तक रिलीज किया जाएगा। और इसके जो गाने हैं बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली हैं। अगले फिल्म के बारे में बात करते हैं माई बाबूजी की आशीर्वाद। माई बाबूजी के आशीर्वाद जो फिल्म है, इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा सिनेमाघरों में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। दोस्तों बता दें, यह ऑफिशियली डेट नहीं है, लेकिन हालांकि मैं बात किया था प्रदीप पांडे चिंटू जी के मैनेजर सनी शाह जी से, तो उनसे बात हुई तो बोले थे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हो सकती है। तो दोस्तों ये थी प्रदीप पांडे चिंटू जी के तीन नई बड़ी फिल्मों के बारे में, जो कि आप सब सुनकर खुशी के मारे झूम उठे होंगे। तो प्रदीप पांडे चिंटू जी के जितने भी फैन हैं, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा मिलता है तो प्रदीप पांडे चिंटू जी का खबर। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए टॉप बिहार। जय हिंद।